नमस्ते, मैं प्रज्ञा सोत्रा। बबलू राम है, गांव जिलापुर के हैं। तो सर, हम काफ़ी, हमारे बुज़ुर्ग भी काम कर रहे हैं और हम भी काम कर रहे हैं, उनसे सीख के ही काम किया है। जैसे वो कर रहे थे, हम भी उनसे सीख सीख के काम कर रहे हैं। लेकिन जो है, अभी इससे जो हमारा प्रॉफिट है, टोकरी वगैरह लगाते हैं हम, और काफ़ी सारे टोकरी ही लग रही थी जहाँ पे, तो जहाँ पे इतना कुछ ज़्यादा नहीं मिल रहा था कि 50-60 रुपये हमारे जो टोकरी का रेट लगता है, उससे हम ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब ज़्यादा हासिल नहीं कर पाते हैं अपने इनकम। तो हम चाहते हैं कि सरकार की तरफ से कि जो अभी ट्रेनिंग करवाई जा रही है, कहीं लोग गए हुए हैं असम में, वो भी काफ़ी सारे लोग ट्रेनिंग गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। हम भी चाहते हैं कि जिनको नहीं ट्रेनिंग हुई है, उनको भी ट्रेनिंग मिले, और वो भी अपना जो आर्टिफिशियल, जो अच्छी मार्केट में जो अभी गुलदस्ते वगैरह, जो चेयर वगैरह और लैंप वगैरह काफ़ी अच्छी जो मार्केट में जो बिक रहे हैं, जो अभी नई टेक्नोलॉजी के नए जो आइटम जो तैयार हुई है, तैयार कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम लोगों को भी ट्रेनिंग मिले, हम लोग भी वही तैयार करें, और काफ़ी सारा हमें भी मुनाफा उसका मिले, और हमें भी इसकी जो मतलब जानकारी मिले, उससे हमारा भी अच्छी मुनाफा मिले, पैसे जो हमारे काफ़ी सारा जो टोकरी के वो हमारी कहीं बिक रही है, कहीं भी नहीं भी बिक रही है, लेकिन जो मार्केट में गुलदस्ते वगैरह जो तो आम बिक रहे हैं, इसकी काफ़ी मतलब मार्केट में इसकी मांग है। तो हम चाहते हैं कि हम भी इसकी ट्रेनिंग लें, हम भी काम करें कि हम भी इसकी जो मतलब इसका फ़ायदा ले सकें, और सरकार की तरफ से हम चाहते हैं कि हमें भी जो रह चुके हैं, जिनको ट्रेनिंग नहीं मिली है, वो घर पे है, जो उनको नहीं मिली है, मैं चाहते हैं कि उनको भी ट्रेनिंग मिले, मौका मिले कि वो भी ट्रेनिंग करें, और ट्रेनिंग करके वो भी अपना काम जो कर सके। मेरा नाम सूरम सिंह, हम इधर जलापर के रहने वाले हैं, सुम ब्लॉक, और हम तो बचपन से यही काम कर रहे हैं, जब से हमने होश संभाला है तब से यही काम कर रहे हैं, टोकरी और पक्खे और छाबड़ी वगैरह बनाते हैं। तो अभी अभी नई चीज़ें आ रही हैं, जैसे कुर्सियाँ हो गई, जहाँ पेन ड्राइव हो गई, जहाँ वगैरह वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं उनको देख देख के, हम भी सीख रहे हैं कि हमें भी अगर इनकी ट्रेनिंग, अगर ट्रेनिंग मिल जाए तो सबसे बढ़िया रहेगा, अगर ट्रेनिंग नहीं भी मिलती है तो फिर भी हम कोशिश करते रहेंगे और सीखते रहेंगे और सीख के ये चीज़ें तैयार करेंगे। आपके इलाके में क्लस्टर बनाया जा रहा है, कितना लाभ होगा? बहुत ज़्यादा लाभ होगा, जो एक जो 4 दिन में काम होता है वो 1 दिन में हो जाएगा, अगर उधर तो मशीनें होगी, और आज का जो समय है वो मशीनी युग ही है ये, और अगर मशीनें होंगी तो मशीनों से ही काम चलेगा, तो बहुत बढ़िया रहेगा, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो पाएगा हमें। ये बैम्बू हमारा ज़िला सांबा में एक मेजर जो लोगों का क्राफ्ट है, काफ़ी लोग इस क्राफ्ट के साथ जुड़े हुए हैं, और डिपार्टमेंट की ये हेल्प रहती है। सबसे पहले हम डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में 2 ट्रेनिंग सेंटर हमारे बैम्बू के चलते हैं, जहाँ पे 1 साल की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है लोगों को जो बैम्बू का काम सीखना चाहते हैं, और उनको 1,000 रुपया स्टाइफन के तौर पे मिलता है, और ये ट्रेनिंग लेने के बाद वो हमारे साथ रजिस्टर होते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, एज ए रजिस्टर्ड आर्टिज़न बन जाते हैं वो हमारे साथ। और इसके अलावा जिन्होंने हमसे नहीं भी सीखा और वो ट्रेडिशनल आर्टिज़न हैं, तो उनको भी हम अपने साथ थ्रू ऑनलाइन मोड रजिस्टर करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो हमारी हर स्कीम का बेनिफिट अवेल करने के लिए एलिजिबल रहते हैं। जैसे हमारे पास एक स्कीम है, क्रेडिट कार्ड स्कीम फॉर आर्टिजन्स एंड वीवर, इसके तहत जो भी बैम्बू का काम लोग करते हैं और वो अपना यूनिट इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए डिपार्टमेंट उनको 2 लाख रुपए तक का लोन फैसिलिटी अवेल करवाता है, और इंटरेस्ट सब्सिडीज़ में 7% की रहती है। तो ये एक बहुत अच्छी स्कीम है हमारी, जिसके तहत ये जो बैम्बू के हमारे क्राफ्ट्समैन हैं वो अपने हिसाब से लोन फैसिलिटी अवेल करके अपना यूनिट इस्टेब्लिश करते हैं और अपना लाइवलीहुड अच्छे से चलाते हैं। इसके अलावा हमारे जो अच्छा बैम्बू का काम जानते लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, उनको हम
कारखानदार स्कीम के अंडर उनको मास्टर ट्रेनर बनाते हैं ताकि वो अपने अंडर और 5 से 10 लोगों को ट्रेन कर सकें, उनको भी अच्छा क्राफ्ट्समैन बना सकें। और इसके अलावा हमारे पास रहती है एजुकेशन स्कीम रहती है एक, जो लोगों को मोटिवेट करती है कि वो हमारे साथ जुड़ें। और अब स्केलिंग ऑफ द ट्रेनिंग के लिए डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट ने एक MOU साइन किया है विद नॉर्थ ईस्ट केन एंड बैम्बू डेवलपमेंट काउंसिल असम के साथ। इसके तहत टाइम टू टाइम हमारे डिस्ट्रिक्ट सांबा से और बाकी जम्मू के रीजन से बैम्बू के आर्टिजन्स जो हैं वो असम जाते हैं स्किल अपग्रेडेशन की ट्रेनिंग के लिए। एट प्रेजेंट भी हमारे यहाँ से 12 लोग जो हैं वो अंडरगो कर रहे हैं ट्रेनिंग इन NECBDC असम। एक बैच हमारा और रेडी हो रहा है वहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए। इससे पहले भी हमारे काफ़ी लोग वहाँ से ट्रेनिंग लेके आ चुके हैं। एस्पिरेशनल ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से सुंब में एक बैम्बू क्राफ्ट की ट्रेनिंग कुछ दिन पहले चलाई गई थी जिसमें कि 80 लोगों को ट्रेन किया गया था और ये ट्रेनर जो थे हमारे NECBDC असम से ही आए थे। तो ये एक उनको एक एज प्रोवाइड करता है कि वो अप स्केल करें अपनी स्किल को, नई नई चीज़ें सीखें, जो ना कि जो हमारी डिस्ट्रिक्ट में या हमारी स्टेट में फ़ायदेमंद है वहाँ से भी उनके भी स्किल को वो सीख के आएँ और यहाँ पे आके उसको औरों को भी सिखाएं और ख़ुद अपनी लाइवलीहुड जनरेट करने में भी हेल्प कर सके। मैम, जिस तरह से आपने बताया कि क्राफ्ट में आपको असम में भेजा था, एक साल में कितने ग्रुप भेजे आपने? अभी हमने जैसे ही साल हमारा स्टार्ट हुआ है हमारा एक ग्रुप चला गया है, अभी नेक्स्ट ग्रुप हमारा रेडी है। तो जैसे ही हमें डायरेक्टोरेट से टाइम टू टाइम पे आर्टिजन मांगे जाते हैं वहाँ पे भेजने के लिए तो यहाँ से हमेशा लिस्ट ऑफ आर्टिजन जो है वो रेडी रहती है।